इस क्रांति में सबसे आगे जिन्होंने मसाल उठाई है वो श्री सुभाष लखोटिया जी हैं। एक बार पुनः इकट्ठा करने से हम सुभाष लखोटिया जी का स्वागत करते हैं। स्वामी बाबा रामदेव जी, श्री अरुण जेटली जी इन एब्सेंशिया, श्री गिरीश आहूजा जी, श्री अनुज गोयल जी, संजय अग्रवाल जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी एंड डियर पार्टिसिपेंट्स, इट इज रियली अ प्लेजर फॉर मी टू बी हियर विथ यू दिस आफ्टरनून एंड शेयर माई आइडियाज एंड थॉट्स ऑन द थीम ऑफ सिंप्लीफिकेशन। बट बिफोर आई डू सो, आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर टेकिंग दिस डायनेमिज्म। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट द इंस्टीट्यूट कमिंग होल हार्टेडली टू सपोर्ट द कॉज ऑफ सिंप्लीफिकेशन। So my congratulations to you, Mr. Goyal, and through you, whole of your community of the Institute of Chartered Accountants of India. And please take it forward by doing similar seminars in about 80 or 100 centers of yours in whole of India. And also thereafter, let us go to Dubai, let us go to Singapore, let us go to Indonesia. Yes, all of us to accompany, because for you it will be business expenditure, professional expenditure. We are going there and learning about the tax system in that country, isn't it? अब सवाल ये है, आप आगे शायद बोलेंगे कि हिंदी में बोलिए, पर मुझे थोड़ा बोलना जरूरी हो गया था इंग्लिश में, नहीं तो आप लोग ये सोचते कि सूटेड बूटेड लखोटिया जी आते हैं टीवी में हिंदी में ही बोलते हैं, इंग्लिश में, इंग्लिश आती भी नहीं है उनको, तो ऐसा आप नहीं सोचे। पर अब बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। दोस्तों, मेरा काम बड़ा मुश्किल कर दिया हमारे सारे प्रीवियस स्पीकर्स ने, सारी बातें बोल दी, अब मैं क्या बोलूं इस बात की मुझे चिंता है। पर सबसे पहला, अगले बार जब कार्यक्रम करें, चाहे कार्ड इंग्लिश में छपाएं, मेहरबानी करके सिंप्लीफिकेशन शब्द को नहीं लिखें, इसमें 14 अल्फाबेट हैं, उसकी जगह हिंदी में सरल लिख देते तो शायद डेफिनेटली सरल हो जाता, डेफिनेटली। मैं तो यही सोच रहा हूं कि आगे कोई भी बात करेंगे, वी शुड सिंप्लीफाई, वाई वेरी सिंप्लीफाई, वी शुड मेक सरल। और शायद सरकार की सोच नहीं है कि सरल बनाया जाए, तो सबसे पहले उन्होंने सरल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म को भगा दिया, भाग जा, नहीं चाहिए सरल फॉर्म। पहले सरल था, वास्तव में लाइफ इजी सिंपल था। अब दोस्तों, याद आ रही है मुझे, करीब सवा साल पहले स्वामी बाबा रामदेव जी जोरों से घोषणा की इन्होंने, लाओ भारत में पैसा, लाओ हमारे भारत का पैसा जो विदेशों में रखा हुआ है। बहुत अच्छी सोच थी, कार्य हुआ या नहीं हुआ, पर एक बात बतला दूं, शायद रामदेव जी को भी नहीं मालूम, मेरे पास कम से कम 100-200 फोन आए लोगों के, सारे भारत से, छोटे छोटे गांव से, बोले सर हमने क्या अन्याय किया है कि बाबा रामदेव जी बोल रहे हैं कि विदेश का पैसा, ब्लैक मनी भारत में लाओ, ऐसा अन्याय हमारे लिए क्यों कर रहे हैं रामदेव जी, उनको समझाइए। मैं समझा नहीं क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा भाई ये तो अच्छा ना, विदेश का पैसा, अपना ही पैसा भारत में आ जाए, क्या बात। बोले विदेश से मंगाओगे वो तो बाद में चलेगा, पहले भारत का ब्लैक मनी तो बैंक में रखने की परमिशन दिलाओ हमको। लोगों के पास पैसा है, करदाता तैयार है, भारत के लोग, मैं जैसे सारे इंडिया ट्रेवल करता हूं साल में 100 जगह से ज्यादा, लाखों लोगों से पर्सनली मिलता हूं, एक चीज मैं बतला सकता हूं दोस्तों, सारे भारत के करदाता टैक्स देना चाहते हैं, चोरी नहीं करना चाहते, पर चाहते हैं तो सिंप्लिसिटी, लाइफ और सिंपल। और उसके लिए सबसे पहला मंत्र है लक्ष्य जिंदगी का। मैं तो अनुरोध करूंगा परम आदरणीय बाबा रामदेव जी से, कृपया एक सेमिनार लें जिसका नाम रखे लक्ष्य जिंदगी का, द मिशन एंड एम ऑफ माई लाइफ। अगर इस पर चर्चा करेंगे तो आप पड़ोस को पूछेंगे तुम्हारा लक्ष्य क्या है और आपका क्या लक्ष्य है, अपना लक्ष्य हम भूल जाएंगे। सबसे पहले जरूरी है, अगर इस सिंप्लीफिकेशन करना है, टैक्स लॉज में सरल बनाना है, तो अपने लाइफ का उद्देश्य देखें। आज उद्देश्य नहीं देखने की वजह से भारत का नाम दूसरे स्थान पे है, फर्स्ट 2-3 में नहीं, नीचे से दूसरे स्थान में है, द बेस्ट प्लेस टू डू बिजनेस एंड लिव। यहां पर बिजनेस करके आनंद नहीं है, टैक्स पेयर रोता है, दुखी होता है, टैक्स भी देता है और चोर कहलाता है, चोरी नहीं करता फिर भी डर लगा रहता है कि कब शुक्रवार की शाम हो, 2.5 दिन शांति से बिताऊं, क्योंकि न कोई रेड सर्वे सर्च कुछ नहीं होने वाला ना शुक्र शाम के बाद, शुक्रवार रात, शनिवार, रविवार, ऐसा क्यों है माहौल, जरा सोचे इसी बारे में। और मेरा तो एक ही नारा है, चाहे इनकम टैक्स भगाओ या इनकम टैक्स घटाओ, अगर नहीं भगा सकते आज हम, तो कम से कम इतना घटा दो कि टैक्स पेयर ऑनेस्टली टैक्स दे,
देना चाहते हैं टैक्स, पर अगर इतना टैक्स लोगे कि देना परेशान हो जाएगा लोगों को तो नहीं देंगे। अब लाइफ की बात है सिंप्लिसिटी की। सिंप्लिसिटी में सिंपल फॉर्मूला एक रखिए कि टैक्स लॉ सिंपल है या नहीं, उसके लिए एक सिंगल लाइन में आंसर, एंड होल इंडिया एंड ऑल ऑफ यू विल एग्री विद मी। ये नहीं कि आपको पूछूं भैया सिंपल लगा कि नहीं लगा, या बच्चों को सीए स्टूडेंट को पूछूं परीक्षा में ये क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, डिफिकल्ट है, नहीं। मेरा आंसर है केवल सारे भारत के हमारे एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पूछना, उनको इनकम टैक्स एक्ट देना और पूछना इसको समझते हो क्या? दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है, 99% सारे भारत के सभी पार्टीज के एमपी जो फाइनेंस बिल पास करते हैं समझते नहीं क्या पास किया उन्होंने। ये रियलिटी ऑफ द लाइफ है। पर हाँ, इंटेलिजेंट हमारे भारत के एमपी सारे दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, ये गारंटी की बात है, क्योंकि एक फाइनेंस बिल आता है या बड़ा एक्ट आता है 100 पेज का, 100 अमेंडमेंट्स का, कोई 20 मिनट में सारे को पास कर देते हैं। दुनिया में कहीं पर भी नहीं है कि 150 पेज का एक्ट आए, कोई नए लॉ आए, फ्रिंज बेनिफिट लॉ आए, समझे या नहीं समझे उसको पास कर दे 20 मिनट में। तो मानना तो पड़ेगा ना, इंटेलिजेंट है, काफी जल्दी से चीजें समझ जाते हैं। हम आप चाहे कुछ भी क्रिटिसाइज करें, मिसाल ले लीजिए, अभी पिछले साल 3 अमेंडमेंट हुए और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप एमएलए एमपी भारत के बुलाइए, पूछिए उनको कि सर पिछले साल इनकम टैक्स रेट नहीं बढ़ी, टैक्स की रेट नहीं घटी, कुछ नहीं, सेम रहा, पर टैक्स पेयर्स को 2000 रुपए का बेनिफिट हो गया। पूरा इनकम टैक्स खोजिए कहां पर लिखा हुआ 2000 की बचत, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे प्रावधान में लिखा गया जहां पर सेक्शन 87A है। 20 साल से जिस पैराग्राफ या सेक्शन का काम नहीं आया वहां पे छिपा के लिख दिया, इस साल आधे से ज्यादा करदाता उसका लाभ भी नहीं ले पाएंगे। करदाता एक बार तो सोचता था 2000 रुपए की बचत के लिए मैं इतना पढ़ूंगा लिखूंगा, कहां पर खोजूंगा, इसको हटाओ मत लो। और सीए को भी पूछता तो सीए भी बोलते हैं, जूनियर जो समझते नहीं या टाइम बचाना चाहते हैं, 2000 के लिए किससे इतनी बात करेंगे, सब क्लेम करो मत करो, रिबेट है, वो तो टैक्स थोड़ी घट रहा है, रिबेट है। कुल मिलाकर टैक्स पेयर का बेनिफिट नहीं होता। इसी तरह 1,00,000 रुपए का इस साल ब्याज हाउस प्रॉपर्टी के लिए देंगे, बेनिफिट अच्छी बात, पर घुमा फिरा के ऐसी जगह लिख दिया जहां पर खोजने भी पता नहीं चलेगा। वो पहले एक एडवर्टाइजमेंट था, देखते रह जाओगे दाग देखते रह जाओगे, तो अब सेक्शन देखते रह जाओगे, सेक्शन 80EE, और आप देखेंगे कि 90% टैक्स पर इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। और तीसरा, प्रॉपर्टी खरीदो, खुशहाली आ गई, पैसे हमने कमा लिए, प्रॉपर्टी खरीद लें, 50,00,000 क्या कोई खास बात नहीं है, खरीदी, और खरीदने के साथ साथ एक डंडा और आके पड़ गया, लगाओ भैया TDS काटो, टैक्स काटो, आप टैक्स काट लेंगे, सब कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं है, किंतु टैक्स इस प्रकार से कि उसके प्रावधान पढ़ के समझने में फिर परेशानी होती है। तो सभी चाहिए सरकार को कि इस तरह के प्रोविजंस लाए जिससे कि टैक्स के अंदर टैक्स पेयर्स की लाइफ इजी हो, टैक्स पेयर का ज्यादातर समय टेंशन में नहीं बीते। रामदेव जी, एक डीटीसी की बात कर लें, डायरेक्ट टैक्स कोड 1500, जी हाँ 1500 दिन पूरे हो गए अभी तक डायरेक्ट टैक्स कोड नहीं आया। ऐसा सिंप्लीफाई करना है क्या कि जिसको बनाने में आपको 1500 दिन लग गए और अभी तक नहीं बना पाए, क्या ये सिंप्लीफिकेशन है? बल्कि होना चाहिए, इसीलिए जरूरत पड़ गई आज कि ऐसे प्रावधान बनाएं, कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स या ऐसी चीजें लाएं जिससे लाइफ हो जाए इजी एंड सिंपल, न हो टैक्स चोरी, न करना करे याद करना कुछ पड़े। और मेरे ख्याल से अगर इसके ऊपर डिबेट ऑल इंडिया हो जाए या आंदोलन हो तो मेरे ख्याल से सीए स्टूडेंट सबसे आगे बढ़ चढ़ के आएंगे। जो अभी पास नहीं किया सर बहुत आराम हो जाएगा, अगले साल पढ़ाई नहीं, इस साल तो 3% रिजल्ट आया ना सीए का, अगले साल ज्यादा होगा, टैक्स डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स अमेंडमेंट सब खुद गायब, कुछ नहीं चिंता, एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन टैक्स क्या मजा है, बच्चे लोग तो रामदेव जी की सेना में दौड़ के आ जाएंगे। पर एक बार कई बार ये भी विचार आता है कि यहां पर आज हम चर्चा कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स लॉज ऑफ द कंट्री, और हमारे यहां पर मौजूद है परमारणीय स्वामी बाबा रामदेव जी, क्या रामदेव जी इस विषय पे बोलेंगे? उनके पास न कोई प्रॉपर्टी न कोई संपत्ति, शायद टैक्सपेयर भी नहीं होंगे, स्टैम्प ड्यूटी के रेट कितने लगते हैं वो भी उनको नहीं पता, क्योंकि काम नहीं पड़ता ना खुद के लिए, फिर क्यों आ गए ये सब चीजें बोलने के लिए रामदेव जी? पर अगर हम देखें तो हम पाएंगे दोस्तों, अतीत की तरफ देखें, भारत के 5000 वर्षों का इतिहास देखें, स्वार्थ रहित रामदेव जी सोच रहे हैं समाज के लिए, जो कार्य ऋषि करते थे उस जमाने में कि मेरा फायदा या नहीं फायदा उससे मतलब नहीं है, समाज के लिए राहत चाहिए,
तो इसलिए मैं स्वागत करता हूं रामदेव जी का, बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार ताली बजा कर यह कहिए कि रामदेव जी आपका इस बात के लिए हम स्वागत करते हैं और आप इस बात को लड़ाए रहिए और करिए ऐसा। और टैक्स की बात चले तो पहले क्या हुआ था, पहले हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है मधुमक्खी फूल में से इस प्रकार से ले लेती है शहद कि फूल को कोई असर नहीं पड़ता। सरकार को सोचना चाहिए कि कोमल करदाता से टैक्स इस प्रकार ले ले कि उसको दुखे नहीं चुभे नहीं, ले भी ले और चुभे नहीं, वही तो तारीफ है, अन्यथा टैक्स चोरी हमेशा होती रही रहेगी। कोई जमाने में भारत में दूध की नदियां बहती थी, अब तो नहीं है दूध की नदियां, परंतु मेरा मानना है दोस्तों एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स जैसी हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के प्रावधान अगर आए तो दूध की नदियों की जगह पैसे की नदियां बहेगी, ये मेरा मानना है। अभी आता उस पे, केवल भारत का ही नहीं, हमारे एशिया का नहीं बल्कि विश्व का पैसा भारत की धरती पे आएगा और आप और हम देखेंगे हमारी क्रिएटिव एनर्जी प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएगी, न कि नेगेटिव आइटम्स पे। अब जरा देखिए कि वास्तव में सिंप्लिसिटी की जरूरत है भी या नहीं है, और स्पेशल स्टोर से बाबा रामदेव जी के विचार बतलाना चाहूंगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना, उसके बाद अब तक 111 बार उसमें अमेंडमेंट्स आ गए और 111 मेरे ख्याल से शास्त्र की विधि के हिसाब से बहुत अच्छा फिगर है, तो इसलिए अब उसको समाप्त कर देना चाहिए, 112वां नहीं आना चाहिए और 111 में समाप्त करके इनकम टैक्स का कुछ नया विकल्प लाना चाहिए। और साथ ही साथ इनकम टैक्स रूल्स साल में जब इच्छा होती है रूल बदल देते हैं, सर्कुलर आ जाता है। भारत में कोई भी व्यक्ति अप टू डेट नहीं है, न मैं हूं, क्योंकि आज तक की हम तैयारी करें आज सोए तब तक रात को 3 दिन पुरानी की डेट का लगा हुआ नया सर्कुलर आ जाएगा, एप्लीकेबल 3 दिन पहले से ही हो गया। और ऐसे सर्कुलर आते हैं डिटेल्स नहीं, किताबें नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। और इसी प्रकार बजट में अमेंडमेंट्स पिछले 5 सालों में हर साल करीब 70 से 80 या 100 अमेंडमेंट्स हर साल होते हैं, कहने का मतलब है करीब 5 सालों में करीब 400 इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स हो गए। ऐसे अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो ऐसे अमेंडमेंट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो लाइफ इजी नहीं होगी, डिफिकल्ट होगी। अब जरा चर्चा करें बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स विकल्प है या नहीं है, अच्छा या बुरा। मैं मानता हूं डिटेल स्टडी करना तो अलग बात है, पर डेफिनेटली बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स आधा पर्दा नहीं चलेगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा दिया और छोटी मोटी रिलीफ दे दी, वो नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और ऐसे ही इसके लिए कहीं विदेश में घूमने की जरूरत नहीं है, हमारे वित्त मंत्रालय विदेश में गए, आप और हम भी विदेश जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं ना, तो वहां से शॉपिंग करके ले आए, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इंपोर्टेड टैक्स ले, इंपोर्टेड टॉफी आप और हम लाते हैं बच्चों के लिए, सरकार ले आए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, साउंड्स वेरी नाइस, और 5 साल तक झेलते रहे भारत के करदाता। मैंने सरकार से पूछा विदेश गए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स लाए कोई बात नहीं, पर वहां से सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स क्यों नहीं लाए हमारे भारत के करदाताओं के लिए। भारत का करदाता स्पेशली प्रोफेशनल पर्सन, आप और हम जरा सोचिए, मेहनत करते हैं कमाते हैं, कोई कारण से बीमारी आ जाती है, काम नहीं कर सकते, हमारे पैसे नहीं है, जिस सरकार को मैंने लाखों रुपए करोड़ों रुपए आज तक टैक्स के रूप में दिए, अब मेरे बुढ़ापे में मुझे देखने के लिए कोई भी नहीं है, और वही नौकरी करता, गवर्नमेंट नौकरी करता, रिटायर्ड भी हो जाता तो भी पेंशन पे पेंशन बढ़ती जाती और फायदा होते जाता, तो कोई ना कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स, भारत में बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स एक लागू हुआ था कुछ साल के लिए 2005 से 2009 तक, फिर चुपचाप इसको हटा दिया गया, अच्छी बात है हटा दिया। आगे भी सरकार को यह चाहिए कि या तो लाए तो पूरा लाए, केवल जम के बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स ले, बाकी सबको हटा दो, ऐसा नहीं कि थोड़ा बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा लें और थोड़ा सा टैक्स रेट कम कर दें, तो इससे तो चोरी भी ज्यादा होगी, टैक्स पेयर्स का दुख भी ज्यादा होगा, लाइफ सिंपल हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होगी और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट देश में बढ़ेगा, हमारा क्रिएटिव टाइम काम में यूज होगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में नहीं। ब्लैक मनी विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट, रिच एग्रीकल्चरिस्ट जो